आपके नजर में आपके विधानसभा में कोई ऐसे उम्मीदवार हैं जो आपके बीच आए, आपको लगे कि ये विधानसभा के लिए उपयुक्त उम्मीदवार हैं? जब सारे विधायक में से आएंगे तब किसी ने एक का हम चयन करेंगे, अभी तक तो खुल नहीं रहा है। एगो अमर सिंह जो बार बार दौड़ के आते हैं जो हमको इससे सीट लेना है, और एक मेरे पड़ोसी में कभी उनका नाम खुलता है कि गोरेलाल यादव जी इस बार आने वाले हैं, वोट टिकट किसको मिलेगा ये अभी तक पता क्लियर नहीं होता है। आप नमस्कार, बीटी न्यूज बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। बेगूसराय के पूर्वी छोर पर स्थित यह विधानसभा जो कि बेगूसराय का आखिरी विधानसभा के नाम से जाना जाता है, साहेपुर कमाल विधानसभा के नाम से जाना जाता है, आज हम वहां पे साहेपुर कमाल विधानसभा के रहुआ गाँव में मौजूद हैं। यहाँ की जनता से मैं बात करूंगा कि वर्तमान में विधायक के द्वारा इनका ऊपर क्या काम किया गया है और कितने यहाँ के जनता खुश हैं। अभी तक का जो सर्वे साहेपुर कमाल विधानसभा में बीटी न्यूज के तरफ से किया गया, जहाँ पर 70% जनता यह चाहती है और यह कहती है कि हम राजद के नाम पर वोट देते हैं, राजद का वोट बैंक यहाँ पर बहुत ज्यादा है और राजद किसी भी चेहरे को यहाँ से उम्मीदवार के रूप में खड़े करे वो सिर्फ लालू यादव के नाम पर, लालटेन छाप के नाम पर वोट करेगी। परंतु 30% जनता, 30% जनता अभी भी यहाँ पर ऐसे हैं, 30% में 20% युवा ऐसे हैं जो कि बता रहे हैं कि इस बार का विधानसभा जो होगा साहेपुर कमाल विधानसभा से जो भी विधायक बन के, विधायक जी के द्वारा अभी तक कुछ काम नहीं हो सका। एक परवीन अनमुल्ला आए थे विधायक जी, वो प्रतिनिधि हम लोगों के विधायक बने थे, उनके द्वारा ये रोड का उन्हीं का किया हुआ है। उन्होंने इस काम को किए, राजनीतिक लोग नहीं थे, वो कार्य करने वाले व्यक्ति थे। और दूसरा समस्या देख रहे हैं, जो विद्यालय है, कॉलेज है, हाई स्कूल है, फील्ड का क्या दुर्गति है ये देखा जाए। उसके बाद फसल हम लोगों का कुछ नहीं हुआ है, सारी फसल जो है सो आपका बर्बाद हो रहा है, खेत में पानी हो गया है और मकई का खेती जो था वो सब समाप्त हो चुका है, और पानी में इतना पानी करीब 4-3 फीट पानी है खेत में पड़ा हुआ, धान की भी उपज की संभावना नहीं है, बरसात थोड़ा भी होगा तो फसल नुकसान हो जाएगा, ये सब समस्या है। दूसरी समस्या है 2001 में हमारी पंचायत बना है, 3 मुखिया 3 गांव के पंचायत है, लेकिन विकास के नाम पर काम तो हो रहा है लेकिन लूट का बाजार लगा हुआ है। 2000 से शुरू हुआ है, 15,000 में मुखिया बिकते हैं, वार्ड कमिश्नर बिकते हैं, और विकास का क्या काम होना चाहिए, और प्रशासन नाम का चीज नहीं है, नहीं को देखने के लिए आते हैं, और पंचायत का क्या दुर्गति है। अगर किसी तरह का छोटा मोटा भी झंझट होगा तो थाना सीधे चले जाइए, कोर्ट कचहरी का सहारा, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। इस परिस्थिति में हम लोग कैसे जिएंगे? सड़क NH से 31 से जो रहुआ गांव की तरफ आती है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का या मुख्य सड़क रहुआ गांव का है जो कि साहेपुर कमाल विधानसभा में स्थित है, इसकी स्थिति आप देख सकते हैं। इसके बारे में यहाँ के लोग बताएंगे आपको कि इस सड़क की क्या स्थिति है, कितने वर्ष पूर्व इसकी मरम्मत की गई थी या इसे बनाया गया था। यहाँ के जनता बताएंगे इसको कि यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं इस सड़क को लेकर। देखिए, ये प्रधानमंत्री सड़क योजना से रोड बनाया गया है, 5 साल पहले बना था, ना इसका कोई मरम्मती हुआ और ना ही कुछ हुआ। और यहाँ पे दूध सेंटर है, किसान लोग जाते हैं दूध लेके, बार बार यहाँ पे गिरता है और पानी हमेशा यहाँ पे लगा रहता है, जिससे बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बीमारी भी उत्पन्न होता है। तो ये जो प्रधानमंत्री सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना जो बनाया गया था, जब इसकी स्थिति खराब हुई या खराब होने लगा, टूटने लगा, इसके बाद कोई अधिकारी जो इसका सर्वेक्षण करने के लिए आए? कोई नहीं। मुखिया भी आते हैं अपना, ऊपर से निकल जाते हैं पैदल, उसको भी बहुत मतलब गांव के लोग बोला है, लेकिन कोई किसी तरह का कोई सर्वेक्षण कोई रिस्पॉन्स नहीं। आप बताइए बाबा कि आपके गाँव की समस्या वर्तमान में विधायक जी के साथ या विधायक जी को लेकर, या आपके गाँव की और अन्य कोई समस्या क्या क्या है अभी वर्तमान में? अभी जो है रोड की समस्या तो आप देख ही रहे हैं, दूसरी बात है जो इसको व्यवस्था करने के लिए कोई आते हैं तो वहाँ से पैसा जो भी खर्च करे या भेज देते हैं, लेकिन उसको देख रेख नहीं होता है ढंग से, जो कैसा बना है रोड हमारे गांव में या नहीं बना है। ये 2 साल बनना हुआ है सर, 2 साल भी पूरा नहीं इसको हुआ है, हमारे आँखों के सामने ये बना है,
लेकिन इसका परिस्थिति देखा जाए कोई देखने वाला इसको नहीं है। लोग डूब करके जाते हैं, फिसल करके जाते हैं, गिर जाते हैं, किसी तरह से आदमी गुजर कर रहे हैं, ऐसा परिस्थिति है। लेकिन कोई लीडर नेता सुनवाई नहीं करते, ना मुखिया, ना सरपंच, ना ब्लॉक से कोई भी नेता, कुछ सुनवाई नहीं है, ना कोई इसका देखने वाला है। और खनुआ नदी भाई 200 साल से है, 1 मिनट, 200 साल से आज उसका उद्घाटन हो गया, अभी तक पुल नहीं बना है। क्या रेलवे पुल बन रहा था इतना दिन से? उद्घाटन कौन किया? हाँ नहीं किया है, किए हैं पुल की जरूरत है। जी हाँ, उसमें पुल की जरूरत है। जी हाँ, चौकी रास्ता के लिए उसमें पानी भरा हुआ है, समझ गए। शायद श्री नरेंद्र बाबू किए थे उसका उद्घाटन, लेकिन अभी उसका अभी तक कोई देख रेख नहीं है। विधायक जी से फंड जो भी आया है, आदमी सब ठेकेदारी ले लेके किया है। अगर नाला का कोई लिया है तो उसमें ही घोटरबाजी कर दिया है, कोई रोड का बनाया है तो उसमें भी कर दिया है। तब हम लोग सरकार को गलत देते हैं। सरकार तो अपना रुपया दे ही रही है, लेकिन रहुआ में कोई कार्रवाई ऑफिसर नहीं करता है। नहीं रोड दिया तो उसको छानबीन नहीं होता है कि सही बना कि नहीं बना। नाला दिया तो छानबीन नहीं होता है, सही दिया कि अपना अपना रुपया सब माल मार लेता है। रुपया आया हुआ है, कोई जनता कोई ध्यान ही नहीं देता है। रोड बहुत पूरा गांव का रोड का दशा एकदम गलत है। तनियों वर्षा पड़ जाता है तो गाड़ी चलना मुश्किल हो जाता है। सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत है, इसका उद्घाटन जब हो रहा था तो इसका उद्घाटन माननीय भोला सिंह को करना चाहिए। उससे पहले माननीय विधायक जो श्री नारायण जी हैं वो इसका उद्घाटन किए, उसके बाद वो बोर्ड को फिर से उखाड़ कर फेंक दिया गया और फिर से भोला सिंह आके उद्घाटन किए। जब मेरे विधायक ऐसे काम करते हैं, उनको पता नहीं है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना का उद्घाटन कौन करता है, तो क्या वो करेंगे देश, मतलब विधायक सेवा सैपर कुमार प्रखंड का? बिल्कुल सराहनीय नहीं है। कारण कि जो ये जो हमारे MLA साहब हैं, जब जीत के बाद तो आज तक गांव कभी दर्शन करने के लिए नहीं आते हैं। और मीडिया भाई वालों से भी मेरा निवेदन है, इस बात को बहुत दूर और आगे पहुँचाएँ। मेरी स्कूल की व्यवस्था तो बिल्कुल नगण्य है, कारण कि स्कूल की व्यवस्था ये नहीं होती है कि आगे में एक गाय के बांधने की व्यवस्था कर दी जाए। पूरे गांव की व्यवस्था, पूरे फील्ड का स्थिति चारों तरफ आप घुमा के दिखाएं कि गांव की स्थिति क्या है। और इस पे हमारे जो MLA साहब विधायक जी हैं वो क्या क्या कदम उठाए हैं। रोड की दुर्दशा ये है कि चारों तरफ से रोड पर मवेशी बांधा जा रहा है, कभी गाँव का हाल लिया ही नहीं जाता है, तो हम कैसे कहें जो ये पार्टी में ये बढ़िया है। दूसरा, कभी भी दूसरे पार्टी का मौका ही नहीं मिला है यहाँ, जो यहाँ का कोई विधायक रहा जो उनसे कुछ आशा की जाए। पहला नंबर तो जो लगातार और बनते लगातार चले आ रहे हैं।